Okay, today our topic is endoplasmic reticulum from the chapter the unit of life. Okay, कल मैं तुहानू दस्या सीगा एक सैल दे विच अलग अलग सैलां एनालाइज होंदियां है ना, उहनां दे विच एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सी। असीं वन बाय वन हर एक सैल ऑर्गनली दा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जिहड़े हैगे आ उह एक्सप्लेन करने आ, ठीक आ। ते फर्स्ट ऑफ ऑल हैगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हैगा आ, असीं देखिया सीगा कि इस तरह कुछ स्ट्रक्चर हुंदा आ इनसाइड दा सैल, इदा इंटरलिंक्ड सीगा कुछ, याद है कि नहीं, है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिहड़ा सीगा इहदी डिस्कवरी फर्स्ट टाइम जिहड़ा इह ऑब्जर्व किया गया सी बाय गार्नियर इन 1897 इट वॉज डिस्कवर्ड। पर जिहड़ा इहदा अल्ट्रा स्ट्रक्चर हैगा आ, मतलब ये बारे पता चलिया 1897 बट यदा जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर से ना उन्हों फर्स्ट टाइम पॉटर ने क्लॉड ते फ्यूलम ने 1945 डिस्कवर किया, ठीक है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर मतलब कि भी ये प्रॉपरली की स्ट्रक्चर है, ठीक है। फर्स्ट इट वॉज डिस्कवर्ड इन 1897, ठीक है। दैन अल्ट्रा स्ट्रक्चर was discovered in 1945 by a different group of scientists, ठीक है। हुणे जिहड़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ, वट इज़ इट एक्चुअली, इट इज़ कहिंदा वैल डिवेलप्ड इलैक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक नैटवर्क ऑफ वट द इंटरकनैक्टड सिस्टरनीस, ठीक है, टिब्यूल्स एंड वैसीकल्स। ओके, इंटरकनैक्टड आ इंटरकनैक्टड हो गए इंटरकनैक्शन, ठीक है। आ जड़े है दीज आर सिस्टरनीज, दीज आर वर्ड सिस्टरनीज एंड टिब्यूल्स भी होंदिया ने, वैसीकल्स भी होंदिया, वैसीकल्स इदा दियाँ होंदिया ने गोल गोल छोटे छोटे स्ट्रक्चर, टिब्यूल्स लाइक दिस, कुछ ब्रांचड भी होंगे आ, कुछ अनब्रांच ट्यूब्यूल्स भी होंदिया ने इहदियां, ठीक है। दैन उस तो बाद जिहड़ा इह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ इहदी अक्रेंस की हैगी आ, इह किहदे किहदे विच मिलदा सानू, प्रोकरियोट्स दे विच नहीं मिलदा, ठीक है। मैं पहले ही दस्या सीगा कि भी यूकरियोट या प्रोकरियोट जिहड़े एनिमल्स होंदे आ, ऑर्गेनिजम्स होंदे आ, जिहड़े प्रोकरियोट्स इह जिहे ऑर्गेनिजम आ जिन्हां च कोई सैल ऑर्गेनली नहीं होंदी, ठीक है। प्रोकरियोट डोंट हैव एनी काइंड ऑफ सैल ऑर्गेनेलीज, बट यह यूकरियोट्स दे विच हुंदे आ, ठीक है। अक्रेंस असीं इहदी लिख लैंदे आ, अक्रेंस यूकरियोट, ठीक है। यूकरियोट्स दे विच इह अवेलेबल हुंदे आ। फिर इहदी टाइप आ गई, टाइप मैं कल भी दस्या सीगा तुहानूं कि दो तरह दे हुंदे आ, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज दिस वन सिंपली जो असीं पढ़ाया होया। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुंदा आ कि इहदे उत्ते राइबोसोम्स लगे हैगे आ, but it has a beaded appearance with ribosomes, ta inu assi ki keh denne hege aa rough endoplasmic reticulum, bracket kar lo endoplasmic reticulum plus ribosomes, ya inu assi eh vi keh sakde aa ribosomal endoplasmic reticulum, theek aa। then ede structure de utte aa jiye, असीं इहदा स्ट्रक्चर देखणा आ भी हाँ इहदे स्ट्रक्चर च की हैगा, असीं देख तां लिया बट असीं उहनूं जे लिखणा होवे वट इज़ इन इट्स स्ट्रक्चर, ते असीं उहदा अल्ट्रा स्ट्रक्चर जिहड़ा हैगा आ उह देखणा आ, अल्ट्रा
स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो ये की आ सिस्टरनी ठीक है सिस्टरनी दैन उस तो बाद टिब्यूल्स आ वैसीकल्स आ ठीक है ये तीन चीज़ा ने ओके हूँ असं वन बाय वन इनू देखते हैं अरेज कर दा फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्टर दीज आर व्हाट दीज आर सिंपल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स वी कैन से विच आर इंटरकनेक्टेड ठीक है सिस्टरनीज आर नैरो टू लेयर्ड अनब्रांच्ड एलिमेंट्स प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस दीज आर ट्यूब लाइक अनब्रांच्ड एलिमेंट्स ट्यूबुलर ठीक है सिंपल अनब्रांच्ड एलिमेंट्स या नियर टू न्यूक्लीयस जो असं एक सैल का स्ट्रक्चर करते हैं मैं इतने फिर दस दिनी हाँ ये आ न्यूक्लीयस है तो इतने साढ़े को जोड़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वह पिया होया सी ठीक है गॉट इट दैन जेडे ये सिस्टरनीज है इन्हों का कहता एक दूसरे तो उपर जिदा हमने स्टैक लाइक स्ट्रक्चर पे आ जिदा एक एक सिस्टरनी आर दूसरा हो गया फिर तीसरा हो गया लाइक इन्हों स्टैक ये पे आ एंड दीज एलीमेंट्स आर इंटरकनैक्टड टू ईच अदर ठीक है दीज स्टैक्स आर इंटरकनैक्टड टू ईच अदर एंड ईच इज़ अबाउट 40 to 50 micro इन डायामीटर 40 to 50 micrometer इन इट्स डायामीटर पता ना सारे की होंगे आ कि वो विड्थ कितनी हैगी रेडियस डायामीटर पता है ना सारे ओके दीज मे बी विद और विदाउट द राइबोसोम्स आई टोल्ड यू अर्लीयर ठीक है दीज कैन बी स्टडड विद राइबोसोम्स और विदाउट द राइबोसोम्स ये जो सिस्टरनीज आ विद और विदाउट राइबोसोम्स ठीक है और जो राइबोसोम्स आ जाते हैं ना किते भी दैट मीनस कि दे कैन हैल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस ठीक है तो ये असं अगे चल के ये फंक्शनस जो करने ना वो फंक्शनस आजगा कि जेडे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है दे कैन हैल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस ठीक है नैक्सट साढ़े को पार्ट हैगा आ वैसीकल्स या टिब्यूल्स कुछ भी कर लो ठीक है वैसीकल्स वैसीकल्स आर राउंडड स्ट्रक्चर्स ठीक है वैसीकल्स आर राउंडड स्ट्रक्चर्स दीज कैन ऑल्सो हैव द राइबोसोम्स ठीक है इन दे उत्ते भी राइबोसोम्स हो सकते हैं एंड दीज आर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म जिदा ये न्यूक्लियस के लागे पई हुई है ना तो जोड़ा हूँ सैल हैगा आ उस आ सैल सीगा सैल दे इतने एक साढ़े को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैगी है ना तो आ न्यूक्लियस सीगा तो ये कितने भी स्कैटर्ड हो सकती हैं ये जड़ियाँ वैसीकल्स ने पूरे साइटोप्लाज्म च कितने भी ये स्कैटर्ड हो सकती हैं आ इन्हों का साइज जोड़ा हैगा दैट कैन बी फ्रॉम 25 to 500 micrometer ठीक है हुण ओ टिब्यूल्स का 40 to 50 डेफिनेट सीगा यह 25 to 50 500 तक वेरी कर सकता इन्हों का साइज ठीक है आफ्टरवर्ड्स दीज ऑल्सो हैल्प इन प्रोटीन फॉर्मिंग सैल्स ठीक है दैन टिब्यूल्स आ गई हैं टिब्यूल्स मे बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड जड़ियाँ टिब्यूल्स है ना एदा थर्ड जिहड़ा स्ट्रक्चर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का है टिब्यूल्स दे मे बी ब्रांच्ड
or they may be unbranched, and but these are most of the time these are without the ribosomes. ठीक है, they don't have ribosomes. And यह ज़्यादातर lipid forming cells दे विच होंदे हैं. ठीक है, जड़ियाँ यह tubules ने ना यह lipid मतलब fat. ठीक है, lipid forming cells दे विच यह abundant है. ठीक है, clear है. उस तो बाद साडे कोल इहदे फंक्शनस आ गए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे, कि की फंक्शनस परफॉर्म करदा आ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. फर्स्ट ऑफ ऑल इन्हें सानू जड़ा हैगा आ रफ एंडोप्लाज्मिक ते स्मूद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन्हां दे अलग अलग फंक्शनस दिते आ, फिर एक उन्होंने कंबाइन भी कर दिता होया आ. ठीक है, जड़े रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ उहदा सब तो वड्डा फंक्शन मैं तुहानू दस्सिया सीगा कि भी प्रोटीन, इहनू इरेज कर दो, फंक्शनस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. फंक्शनस पहला रफ दे कर लिए है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. फर्स्ट ऑफ ऑल इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, गॉट इट, इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस. देन होर की फंक्शन इहदा हो सकदा आ, इट आल्सो हेल्प इन द formation of transition vesicles which carry the material to the cisternae of the Golgi body. It help in transport, easy kar lo, material to the Golgi body. Hun Golgi body assi next organelle padni hai haje, theek hai, बट ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे कहिंदा जिहड़े इह पार्ट्स है ना अलग अलग वैसीकल्स, जदों उहने दस्सिया कि थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म पईआं हुंदीआं आ, वो वैसीकल्स हैल्प कर सकदीआं आ मटीरियल दे ट्रांसपोर्ट च. ठीक आ, फ्रॉम दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू द गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी तो फिर वो अगे मटीरियल पास हुंदा, जिद्दां मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कह लो है ना, उहदे विच भी इह फैसिलिटेट करदा आ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. दैन अदर फंक्शन इज इट हेल्प्स इन रीफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लीयर मैमब्रेन ड्यूरिंग द टीलोफेज ऑफ सैल डिविजन. हुण असीं एक अगे साडा चैप्टर आना है सैल डिविजन दा, माइटोसिस मियोसिस असीं करनी आ, उहदे विच असीं अलग अलग स्टेजेस करनी आ कि एक सैल डिवाइड किदा करदा, जिद्दां हुण आ एक सैल है ना, इस एक सैल तो दो सैल्स किस तरह बनने हैगे आ विद हैल्प ऑफ माइटोसिस या मियोसिस. ठीक आ, जदों वो माइटोसिस मियोसिस हुंदी आ उस टाइम दे उत्ते इहदे विच जदों हुण एक न्यूक्लियस हैगा आ है ना, ये न्यूक्लियस ने भी दो न्यूक्लिया ही फॉर्म करने आ, और जिहड़े दो न्यूक्लिया ही बने, न्यूक्लियस दे अराउंड मैमब्रेन भी तां सी ना, ते वो मैमब्रेन बनाउण दे विच ये जिहड़े रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ दे विल हैल्प इट आउट. ठीक आ, ये जिहड़ा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ हैल्प्स इन री जनरेशन या रीफॉर्मेशन कह सकते कुछ भी ऑफ न्यूक्लीयर मैमब्रेन, न्यूक्लीयर मैमब्रेन ड्यूरिंग टीलोफेज ऑफ माइटोसिस ए मियोसिस. Usually we called and nu assi a kehne hage French ch, theek aa, and I used that meiosis a mitosis. theek aa, te mitosis and meiosis de vich assi donna de vich assi dekhde aa ki telophase stage jadon aundi aa te nuclear membrane dobara bandi aa. theek aa, when we will discuss the mitosis and meiosis then you will study it.
ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਦੋ ਸੈੱਲਸ ਬਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸੈੱਲਸ ਬਣਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਫੇਜ਼ਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਮਿਓਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇਜਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪ੍ਰੋ ਫੇਜ਼, ਮੈਟਾਫੇਜ਼, ਐਨਾਫੇਜ਼ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਟੀਲੋਫੇਜ਼। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਈਟੋਕਾਈਨੈਸਿਸ ਮੀਨ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਕੇ ਦੋ ਸੈੱਲਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੋਟ ਇਟ? ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕਲਮ ਆ ਦੈਟ ਹੈਲਪ ਇਨ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੈਂਬਰੇਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮੂਥ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕਲਮ। ਠੀਕ ਆ, ਇਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਸਮੂਥ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕਲਮ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਸਮੂਥ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕਲਮ ਅਤੇ ਰਾਈਬੋਸੋਮਸ ਤਾਂ ਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹੈ ਨਾ? ਦੇ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਰਾਈਬੋਸੋਮਸ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਪਿਡ ਸੈਂਥਸਿਸ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੀਰੋਇਡ ਹਾਰਮੋਨਸ ਦੇ ਬਣਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਆ, ਟੈਸਟੋਸਟੀਰੋਨ ਵਗੈਰਾ ਦੇ। ਦੈਨ ਗਲਾਈਕੋਜਿਨੋਲਾਈਸਿਸ, ਮਤਲਬ ਗਲਾਈਕੋਜਨ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਦੈਨ ਡੀਟੋਕਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹਾਰਮਫੁਲ ਡਰੱਗਸ ਲਾਈਕ ਫਿਨੋ ਬਾਰਬਿਟੋਲ ਐਂਡ ਕਾਰਸੀਨੋਜਨਸ ਹੁੰਦੇ, ਕੈਂਸਰ ਕੋਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟਸ ਫਰੋਮ ਦਾ ਬਾਡੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਟ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਉੱਚ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਦੈਨ ਦੂਸਰਾ ਆ ਗਿਆ ਸਟੀਰੋਇਡ ਹਾਰਮੋਨ, ਸਟੀਰੋਇਡ ਹਾਰਮੋਨਸ ਲਾਈਕ ਟੈਸਟੋਸਟੀਰੋਨ। ਟੈਸਟੋਸਟੀਰੋਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੇਲ ਰੀਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਹਾਰਮੋਨ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟੈਸਟੋਸਟੀਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪਰਮ ਬਣਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਪਰਮੀਓਜੈਨੇਸਿਸ, ਸਪਰਮੈਟੋਜੈਨੇਸਿਸ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮੂਥ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕਲਮ ਆ, ਸਾਡੇ ਲਿਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਾਈਕੋਜਨ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਤਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗੀ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਸ ਆਫ ਸ਼ੂਗਰ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗਲੂਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਬਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ? ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਬਚਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਨ ਦਾ ਫੋਰਮ ਆਫ ਗਲਾਈਕੋਜਨ ਉਹ ਲਿਵਰ 'ਚ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਗਲਾਈਕੋਜੈਨੇਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋੜਨਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਲਾਈਕੋਜੀਨੋਲਾਈਸਿਸ ਜਾਂ ਗਲਾਈਕੋਲਾਈਸਿਸ ਟਰਮਸ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਲਿਵਰ 'ਚੋਂ ਇਹ ਗਲਾਈਕੋਜਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮੂਥ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕਲਮ ਆ ਇਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਗੋਟ ਇਟ? ਗੋਟ ਇਟ? ਅਤੇ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਾਸਟ ਵਨ? ਡੀਟੋਕਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਬਾਡੀ 'ਚ ਕੋਈ ਟੋਕਸਿਨਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਟੋਕਸਿਨਸ ਕੋਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀ ਟੋਕਸੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੂਥ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਹੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਸੀਕਲਸ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਬਿਊਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਿਕਅਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਐਂਡ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਐਕਸਕਾਰਡਡ ਆਊਟ ਫਰੋਮ ਦਾ ਬਾਡੀ, ਠੀਕ ਆ। ਗੋਟ ਇਟ? ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਜ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕਲਮ, ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਸਮੂਥ ਐਂਡ ਰਫ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕਲਮ। ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਰਟ ਇਨ ਯੂਅਰ ਬੁੱਕ ਲਾਈਕ ਕੋਮਨ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਸਮੂਥ ਐਂਡ ਰਫ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕਲਮ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਸਕੈਲਟਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਸਮੂਥ ਪਲੱਸ ਰਫ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਐਂਡੋਸਕੈਲਟਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਅੰਦਰ ਹੱਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਹੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਵਟ ਇਜ਼ ਆਰ ਬਾਡੀ, ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ? ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਸ ਦਾ ਟੁਕੜੇ ਹੈ ਨਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟਰਕਚਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ।
नहीं होगा या होगा? द सेम वे सैल के अंदर भी यह सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं जोड़े अलग अलग सैल ऑर्गेनेल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गॉल्जी बॉडी हो गया, दैन राइबोसोम्स हो गए, ठीक है। दूसरी चीज़ जी कॉमनली करते हैं साइट, एक तो हो गया एंडोस्केलेटन हो गया, दूजा मकैनिकल सपोर्ट, है दोनों मिलते जुलते है आपस, ठीक है। दैन जी थर्ड थिंग आ गई वो हैगी दीज एक्ट एज अ पार्ट ऑफ सैग्रीगेशन अपरेटस। सैग्रीगेशन अपरेटस का मतलब भी उही होंगे ट्रांसपोर्ट कर सैग्रीगेशन मटीरियल। सैग्रीगेशन मटीरियल जोड़ा है मतलब होंगे कि एक जगह तो समान लिया उन्होंने अलग अलग जगह पर पहुँचा दिता, सैग्रीगेट मतलब उन्होंने खिलार दिता, ठीक है। दैन उस तो बाद न्यूक्लीयर एनवेलप सिंथेसाइज करन च हेल्प करता है, ये असं ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम च भी, ठीक है। फिर प्रोटीन सिंथेसिस च हेल्प करता ये भी असं ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मतलब कॉमन फंक्शन जोड़े है उन्होंने दोनों मिला के भी लिखे हुए ने, एक दो फंक्शन ये अलग दते हुए जेडे कि दोनों ही परफॉर्म करते कि उन्होंने मैकेनिकल सपोर्ट देंगे उन्होंने एंडोस्केलेटन का काम वो करते हैं। दैन स्टोरेज ऑफ सम प्रोडक्ट्स लाइक ग्लाइकोजन, ठीक है, वह काम करते हैं। वी कैन राइट कैन हैल्प इन स्टोरेज, ठीक है। दैट्स इट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी, ठीक है।